जेठालाल, मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल तुम? क्या हुआ भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा था, तुम मुझे डरा रहे थे तो मैं तुमको डरा रहा था। अच्छा अच्छा पोपटलाल, तुम क्राइम रिपोर्टर हो ना? क्राइम नहीं, क्राइम रिपोर्टर। हाँ हाँ वही, लेकिन अभी भी हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल हूँ। पोपटलाल तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो भाई, पत्रकार पोपटलाल के पास देश दुनिया की सारी खबरें होती है, जो भी पूछना है निसंकोच होकर पूछो। नहीं नहीं, किसी खबर के बारे में नहीं पूछना है। तो एक मिनट, जरा मेहता साहब को भी बुला लो। बुला लो भाई, उनको भी बुला लो। हाँ जेठालाल, पहुंच गए तुम घर? हाँ मैं आ गया हूँ, लेकिन घर पे नहीं हूँ। आप एक काम करेंगे, जरा सोसाइटी के गार्डन में आ जाएंगे। गार्डन में क्यों? मेहता साहब, मैं नहीं चाहता ये बात ज्यादा लोगों को पता चले, हो सके उतनी ये बात को खानगी रखना चाहता हूँ। ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। हाँ। जेठालाल, ऐसी क्या बात है जिसे तुम खानगी रखना चाह रहे हो? अरे पोपटलाल क्या बताऊं। अरे जेठालाल, पोपटलाल सोडा पीने जा रहे हो? रुको मैं भी आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, हम लोग सोडा पी के आ रहे, आज सब लोग जल्दी सोडा पी के घर भी चले गए। इतनी जल्दी? हाँ, आज शायद सबने जल्दी खाना खा लिया। चलो चलो पोपटलाल। अरे गार्डन में नहीं जाना? तुम कुंवारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, इशारों की भाषा समझते ही नहीं हो। अरे भाई भीड़े खड़ा है, इसलिए घर जाने का खाली नाटक कर रहा हूँ। चलो भीड़े, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जेठालाल, गुड नाइट। हाँ मैं तो इधर ही हूँ भाई, इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैं भी तुम्हारी तरह घर जाने का नाटक कर रहा हूँ, जैसे ही भीड़े अंदर जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। क्या हुआ? गया भीड़े अंदर। देखा मेरे नाटक का कमाल। चलो जेठालाल, बताओ भाई क्या टेंशन है, क्यों फोन करके बुलाया, बात क्या है? पहले मेहता साहब, पोपटलाल, आप दोनों कसम खाइए। सॉरी जेठालाल, मैं कसम नहीं खा सकता। क्यों? मैं जस्ट अभी खाना खाकर आया हूं। अरे तो मुखवास समझ के कसम खा लो भाई। हाँ ऐसे खा सकता हूँ, लाओ ये इधर, ऐसे कसम खाओ। मेहता साहब, पोपटलाल, आप लोग कसम खाइए कि अभी मैं आप लोगों को जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो आप किसी को नहीं बताएंगे, खास करके मेरे घर वालों को तो बिल्कुल नहीं, वरना खामखा बापूजी, दया और टप्पू को टेंशन हो जाएगा। अरे भाई तुम हमारा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? जेठालाल बताओ ना, बात क्या है आखिर? बात दरअसल ये है कि आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था, क्या क्या? हाँ इसका मतलब तो बहुत डेंजर है जेठालाल, आजकल सारे क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगे। मतलब? मतलब ये कि आजकल के गुंडे पढ़े लिखे बिजनेसमैन की तरह पहले प्लानिंग करते हैं और फिर क्राइम करते हैं। अच्छा। जिस किसी आइटम को उठाना हो या उड़ाना हो या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना हो, पहले उसका पूरा बायोडाटा तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं? उसकी पूरी कुंडली तैयार कर लेते हैं, फिर मौका पाते ही काम तमाम। इसमें आइटम मतलब कौन जेठालाल? चलो मेहता साहब, पुलिस स्टेशन जाते, कंप्लेंट लिखवाते। नहीं नहीं जेठालाल, पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? पुलिस में जाकर क्या कंप्लेंट करोगे, कि कोई तुम्हारी फोटो खींच रहा है? हाँ? पुलिस पूछेगी कि कौन फोटो खींच रहा था, तो क्या जवाब दोगे? है तुम्हारे पास उसका कोई नाम, अता, पता, ठिकाना? तो फिर तो अभी एक काम हो सकता है जेठालाल। क्या?
अब अगर वो तुम्हारी फोटो खींचे तो सामने तुरंत तुम उसकी फोटो खींच लेना, तुम्हारे पास प्रूफ आ जाएगा। हाँ, फिर हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर देंगे। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। मैं जब भी आपके पास अपनी मुसीबत लेके आता हूँ मुझे कोई ना कोई हल मिल ही जाता है। थैंक यू। अरे जेठालाल, मेहता साहब को क्या थैंक यू बोल रहे हो? सामने फोटो खींचने वाला आइडिया तो मैंने दिया तुमको। पोपटलाल, आग लगने पे अगर कोई एक बाल्टी पानी डाल देना तो उससे फायर ब्रिगेड नहीं बन जाता। जेठालाल की जिंदगी में जब भी आग लगती है ना तो अपना बम्बा लेके पीछे मैं तैयार खड़ा रहता हूँ। मेहता साहब। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। घर जाके सो जाओ, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना। गुड नाइट पोपटलाल। गुड नाइट जेठालाल। गुड नाइट मेहता साहब। मेहता साहब ने बोल तो दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ये क्या, घर का दरवाजा खुला? ये दया हमेशा घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है। उसको क्या लगता है, राम राज्य चल रहा है? दया, आगे जेठे। हाँ बाबूजी। दया आई आई। क्या बोलिए, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। पता है, यहाँ राम राज्य नहीं चल रहा है। पता है। अरे सब पता है तो फिर घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ती है भाई? अरे तो उसमें चिंता करने की क्या बात है, गांव में तो सबके घर के दरवाजे खुले ही होते हैं। बाबूजी बराबर है, लेकिन ये गांव नहीं है, शहर है ना, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी घर में घुस सकता है। अरे ऐसे कैसे कोई घर में घुस जाए? उस दिन अय्यर भाई घुस गए थे यहाँ घर में। है? कब? भूल गई, जब तो कृष्णा बनी थी तब। हाँ, और आप राधा बने थे तब ना। राधा बना था। बापूजी, वो कृष्ण जन्मोत्सव के पहले हम लोग पैट्रिक्स कर रहे थे तो। दया, अभी मैं दोबारा नहीं कहूंगा घर का दरवाजा हमेशा बंद रखने का। और टपो। हाँ बाबा। इधर देख। हाँ बाबा। अरे भाई ये तो टीवी बंद कर। हाँ। बोलिए पापा। टप्पू, रास्ते में कोई भी अनजान आदमी तुझे चॉकलेट या और कुछ भी खाने का ऑफर करे या अपनी गाड़ी में तुझे स्कूल तक छोड़ने का ऑफर दे तो क्या करने का पता है ना बेटा? हाँ, ऑफर ले लेने का। फ्री में कोई कुछ भी दे तो छोड़ते थोड़ी है। अरे लात मार के ठुकरा देने का ऑफर, जमाना कितना खराब है पता नहीं है? अरे पापा पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और पापा, टप्पू उस तूफान का नाम है जिसे कोई चॉकलेट की लालच देकर फंसा नहीं सकता। क्या कर रहे तू? क्या कर रहे? अरे तू क्या कर रहा है पहले ये बता ना, जब से दुकान से आया है ना कपड़े बदले ना पानी पिया, उल्टा कब से हमें ज्ञान की गोली पिला रहा है, क्या बात क्या है? बात ऐसे कुछ नहीं है, वो दुकान में वो टीवी चल रहा था तो उसपे वो लोग बोल रहे थे चाहते हो सुखी रहना तो रहो 24 घंटे चौकन्ना। ठीक है भाई, अगर रहना है 24 घंटे चौकन्ना तो घर के बाहर पूरी रात कुर्सी डाल के बैठना, समझे अन्ना? पूरी रात का सवाल नहीं है बापूजी, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो चौकन्ना रहना ही चाहिए ना, ऐसा ही कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं 24 घंटे चौकन्नी रहूंगी। जब भी घर से बाहर निकलूंगी सारे गहने पहन कर निकलूंगी। सारे गहने पहन के निकलूंगी? अरे मैंने गहने नहीं पहने तो सारे गहने घर पर रहेंगे और कोई घर में आकर सब लूट गया तो? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि घर के दरवाजे हमेशा बंद रखा करो। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं
वैसे भी मैंने घर के सारे गहने बैंक के लॉकर में रखे हैं। और टप्पू के पापा, मैं अहमदाबाद की हूँ। ये सब जो गहने हैं ना, ये गहने इनविटेशन के गहने हैं। मम्मी, इमिटेशन। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के हमें चौकन्ना रहना है। चल भाई, अभी दिमाग मत का, हाथ मुंह धो ले और खाना खा। आइए इस तरफ। इस तरफ? या। मेरे इतने सारे फोटो कौन खींच रहा है? इतने सारे फोटो तो किसी ने किसी हीरोइन का भी नहीं खींचा होगा। कौन खींच रहा है? क्यों खींच रहा है इतने सारे फोटो? मैंने खींचे तेरे फोटो। क्यों? तुम क्या मेरा कैलेंडर निकालना चाहते हो? तू क्या फिल्म स्टार है जो तेरा कैलेंडर बनाऊंगा? अरे तेरे जैसे व्यापारी का फोटो खींचने का एक ही मतलब होता है। क्या? तू अब हमारे निशाने पर है। हे भगवान, क्या भयानक सपना था। बोलो, मुझे डरावने सपने आ रहे और इसे हंसी वाले सपने आ रहे। कितनी नसीब वाली है दया। अच्छा हुआ मैंने इसे कुछ बताया नहीं, वरना ये भी परेशान हो जाती और इसकी नींद भी मेरी तरह खराब हो जाती। देखिए, अगर आपको मुझसे गरबा सीखना है तो मेरी फ्रिज है एक जॉक्स, आपको सुनाना पड़ेगा। इसने तो सपने में भी गरबा क्लास खोल रखे हैं। क्या करूं? मैं तो सबको फोन करता हूँ। हेलो, मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। सॉरी, सो रहे थे? नहीं भाई, कबड्डी खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कबड्डी की प्रैक्टिस? अरे भाई, कटाक्ष कर रहा हूँ जेठालाल, इतनी रात को आदमी सोएगा नहीं तो क्या करेगा? बताओ फोन क्यों किया? क्या बताऊँ मेहता साहब? नहीं नहीं, बताओ भाई, तुम्हारे लिए तो मैं डीएन नाइट मेडिकल स्टोर की तरह हूँ, जब चाहो आके किसी भी दर्द की दवा मांग लो। ठीक है, तो एक पैकेट सलामाइसिन दीजिए। मेरा मतलब है सलाह दीजिए। अब क्या हुआ जेठालाल? मुझे भयानक भयानक सपने आ रहे हैं मेहता साहब, उसको कैसे रोकूं? अरे जेठालाल, तुम इतने बहादुर हो के भी क्यों डर रहे हो? ये भयानक सपने भी तुम्हें तुम्हारे डर की वजह से आ रहे हैं। तुम बस एक चीज सोच लो कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हो, तुम्हें कोई भी भयानक सपने नहीं आएंगे। लेकिन मेहता साहब, जागते हुए तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, लेकिन नींद में ऐसा कैसे सोचूं? जेठालाल, अच्छा एक काम करो, इससे भी अगर डर न भागे तो दया भाभी का नाम लेना शुरू कर दो। दुनिया में बीवी का नाम लेने से सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मैं भी जब डरता हूँ ना तो अंजलि का नाम ले लेता हूँ, सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मेहता साहब, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? अरे भाई जेठालाल, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब तक जिंदगी है तब तक टेंशन तो आएंगे, लेकिन टेंशन से मुकाबला करना हो तो क्या किया जाए? उसी टेंशन का मजाक उड़ाओ, टेंशन अपने आप भाग जाएगा। अरे वाह मेहता साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा, टेंशन का मजाक उड़ाओ। ए टेंशन, ए टेंशन को तो देखो, चल हट भाग इधर। ये बढ़िया है मेहता साहब, थैंक यू। चलो सॉरी, तपलीक माफ, आपको इतनी रात को परेशान किया। नहीं नहीं, थैंक यू मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, ये बढ़िया है। ए टेंशन, चल भाग अपनी शक्ल तो देख।
अरे दया कहाँ चली गई? ये लीजिए आपकी चूरन की बोतल। पेट में गड़बड़ की वजह से आपकी नींद उड़ गई होगी, खा लीजिए। बोलो, दया को नींद में भी पता चल गया कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दया तुम न होती तो मेरा क्या होता? तारक, क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुए? चाय नाश्ता हो गया फिर भी आप आराम से बैठे हैं। ऑफिस में छुट्टी है क्या? छुट्टी है तो नहीं, पर लेने की सोच जरूर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए मैं ना कंचे को इस पे चिपका के इसका फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ। चलिए मेरी मदद कीजिए, बहुत मजा आएगा। अरे भाई, मैं ये कंचे खेलने के लिए घर में नहीं रुका हूँ। जेठालाल को कुछ जरूरी काम है, फोन आएगा तो मुझे जेठालाल के साथ जाना पड़ेगा। तारक, कल रात भी आप जेठा भाई के साथ कुछ काम से बाहर गए थे, आज भी आपको जेठा भाई के साथ काम से बाहर जाना है, कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ क्या होगी अंजलि, गड़बड़ कुछ नहीं। वो जेठालाल को कुछ बिजनेस की सलाह लेनी थी मुझसे, तो मैं सलाह देने गया था बस। क्या आप जेठा भाई को बिजनेस की सलाह देने गए थे? तारक, आप तो लेखक है, आपका बिजनेस से क्या लेना देना? हाँ, मेरा बिजनेस से क्या लेना देना अंजलि भाई, लेकिन जेठालाल इतनी सारी कंपनियों के डीलर है कि वो इंग्लिश में सर्कुलर आते रहते हैं सारी कंपनियों के, तो वो समझाने में मदद करता हूँ मैं, बस वही कुछ सवाल थे। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। हे भगवान, इन पत्नियों का नाक बहुत स्ट्रांग होता है, गड़बड़ तुरंत सूंघ लेती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, अगर वो आदमी मुझे किडनैप करने की कोशिश करे तो मेरा वजन बढ़ा देना, या फिर उसके हाथ कमजोर कर देना, या मुझे सुपरस्टार रजनीकांत जैसे शक्ति देना कि मैं एक साथ 20 लोगों को डिसुम डिसुम करके मार सकूं, और हो सके तो उसके दिमाग पर ऐसी चोट लगा देना कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए और फिर कभी मेरे रास्ते में ना आए। प्लीज भगवान। दया, दया, अरे दया, या भाई चिल्ला क्यों रहे? मैं चप्पू के पापा। कब से बुला रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही है? अरे क्या कब से बुला रहा हूँ, तूने एक बार बुलाया और वो आ तो गई। ओ, लगता है मैं मन में बुला रहा था। चप्पू के पापा बोलिए, क्या काम है? नहीं कुछ नहीं, बस दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबूजी। जय जिनेन्द्र। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर मुसीबत से टक्कर ले सकूं। हाँ जटिया, सुन जी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ टप्पू के पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन कोई चिंता नहीं है। तबीयत भी अच्छी है, तंदुरुस्ती अच्छी है, नींद भी आजकल बढ़िया आ रही है, और धंधा भी अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है बाबूजी। हाँ, जय जिनेन्द्र बाबूजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, बिना कहे ही मेरा टेंशन महसूस कर लिया। हे जीरे, हे जीरे, जीरे। जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब एक पिता अपने पुत्र को, अपने बेटों को गोदी में रख के सुलाता है, लेकिन जब पिता बुजुर्ग हो जाए, उसे नींद ना आए, तब
क्या बेटा बाप को गोदी में रख के सुलाता है? बहुत सारे भाग्यशाली पिता पुत्र ऐसे हैं जो शायद ऐसा करते हैं। एक पुत्र अपने पिता को गोदी में सर रख के सुला रहा था, बड़ी मुश्किल से नींद आई पिता को, अचानक एक मधुमक्खी ने बेटे को काट लिया। बहुत दर्द हुआ लेकिन वो चिल्लाया नहीं, उसने बिल्कुल भी अपने शरीर में कोई हरकत नहीं की। उसे लगा कहीं मुश्किल से नींद आई है, मेरे पिता को जाग न जाए। यही भारतीय संस्कृति है कि जब परिवार पे आंच आने की बात होती है तो हम स्वयं दर्द सहन कर लेते हैं लेकिन परिवार को इसकी भनक नहीं लगने देते। यही जेठालाल ने भी किया, खुद बड़े परेशान है लेकिन परिवार को भनक नहीं लगने दी। हर व्यक्ति चाहता है कि सपने साकार हो लेकिन जेठालाल ने कल रात जो सपना देखा वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो सच हो। कौन है ये जो फोटोग्राफर जेठालाल के पीछे पड़ गया है? और अब यही फोटोग्राफर फिर से मिला तो उसका इरादा क्या है? और कहीं रास्ते में खड़ा हुआ मिल गया तो? भाई सवाल बहुत सारे हैं लेकिन हर जवाब ठाकुर के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।